नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्का डॉट न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। खबर आ रही राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर आगरा रोड स्थित विजयपुरा की सिवा कॉलोनी में भूमाफिया ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है, जहां पे मंदिर और पार्क की जमीन को हथिया लिया है, भूमि निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। की महिलाओं ने नोकल थाना कानोता में भी धरना प्रदर्शन दिया था और वहां पे पुलिस FIR लिखाने की कोशिश की। पुलिस वालों ने कोई FIR दर्ज नहीं की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उसके बाद में यहां के विधायक रफीक जी से बात की और उन्होंने JDA के लोगों से बात की और अवैध निर्माण को रोका। एक रिपोर्ट ग्राउंड। दोस्तों, ये वो जमीन है जो शिवपुरा कॉलोनी के लोगों के लिए थी, जहाँ पे मंदिर और एक पार्क के लिए जमीन आवंटित थी। सरकारी जमीन है, किसी का अधिकार नहीं है, मगर भूमाफिया और पुलिस प्रशासन की मदद से लोग इस पे अवैध कॉलोनियाँ बनाने पे उतारू हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के नोकल लोगों से और जमीन को आपको दिखाते हैं। ये वो मंदिर की जमीन है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जिसको अवैध रूप से हटाए जाने की कोशिश की जा रही है भूमाफियाओं के जरिए। तो बात करते हैं यहाँ के नोकल लोगों से, क्या उनका कहना है, क्या उनकी दलीलें हैं भूमाफियाओं के खिलाफ, क्या प्रशासन। मैं ग्राम पंचायत विजयपुरा सरपंच राम अवतार सेरसिया। यहाँ कॉलोनी में शिवानगर है, जो कॉलोनी वासियों के लिए सुविधा क्षेत्र के लिए 3288 वर्ग गज का एक पार्क छोड़ा गया था और आज तक 15 साल हो गए इस कॉलोनी को कटे हुए, तो आज ये पार्क के रूप में ही खाली जगह मौके पर पड़ी है और कॉलोनी वाले इनको काम में ले रहे हैं। इनके बच्चे खेलते हैं और सब खेलते हैं, लेकिन आज दो पाँच दिन से कुछ भूमाफियाओं की मिलकर के इस पार्क को अवैध कब्जा किया जा रहा है। मेरे को कॉलोनी वासी गिदाजी और महिलाओं ने मेरे को सूचना दी। सूचना देने के बाद में मैंने एप्लीकेशन लेके अपने आदर्श नगर विधायक रफीक खान जी को भी कहा, उन्होंने तुरंत एक्शन लेके JDA में फ़ोन किया। फिर मैंने एक्शन रघुवीर जी को फ़ोन किया, JDA वाले की गाड़ी आई और तुरंत इस काम को रुकवाया और फिर उनके नहीं मानने के बाद में वे दूसरे दिन काम चलाया। फिर मैंने उनको JDA वालों को फ़ोन किया तो दूसरे दिन भी वो गाड़ी लेके आए, काम रुकवाया। अमीन आया, तहसीलदार आए और इनके भी कागज़ ले लिए और दूसरी पार्टी से भी। JDA के अफसर आने के बाद जो ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, इस पर क्या कहोगे आप? हाँ, ये अवैध कब्जा है। वैसे तो ये सुविधा क्षेत्र है जनता के लिए और सुविधा क्षेत्र ही रहना चाहिए। वैसे इकोलॉजी जोन है ये, लेकिन चुप चुप के इन्होंने जो ऐसे धंधा चला रखा है वो गलत है और अवैध है। कौन लोग हैं ये? अब ये तो भू माफियाओं का तो क्या रोल है, वो कोई किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। अभी तो जो बीच के हैं वही आ रहे हैं। थाने से कोई सपोर्ट कानों का? थाने से अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट भी नहीं मिली और महिलाएं वहाँ जाके आ रहे हैं तो कोई थाने वाले उनकी सुनाई नहीं कर रहे हैं और इनको कोई मतलब सुविधा नहीं दे रहे। आपका पूरा नाम? राम अवतार सिरसिया, ग्राम पंचायत विजयपुरा सरपंच। देखिए, हमारे पीछे जो जमीन है, कॉलोनी की जमीन है, 3288 गज जमीन है, 88 गज जमीन है, जो कि पार्क और मंदिर के लिए दी गई है हमारे कॉलोनी वालों को, लेकिन उसमें कुछ भूमाफिया है जो अवैध रूप से है मकान बना रहे हैं और जिससे हमारे को पार्क का बनाने नहीं दे रहे, करने दे रहे, खुद अपने आप से ही नहीं ये जमीन को यूज कर रहे हैं। वो किसको लेके कहाँ पे आपने अभी तक कार्रवाई के लिए? सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच के पास गए हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया इसके लिए, फिर हम आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाने गए, कानोता पुलिस थाने में। लेकिन वहाँ हम जब गए 19 मार्च को, उन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। कितने लोग गए थे? हम 20-25 मेंबर थे, हमारी कॉलोनी के लेडीज थे, हम लोग सभी गए थे। उन्होंने 1-2 घंटे तक हमको वहाँ पे खड़ा रखने के बावजूद उन्होंने फिर हमको ये कहा, बहुत बदतमीजी से बहुत अपशब्दों का हमको प्रयोग किया गया, बहुत ज़्यादा, और हमको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने कहा कि भैया रिपोर्ट लिख लीजिए, हमको जाना है, घर पे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों को यहाँ ले आइए, यहाँ खिला लो, आपके भूखे मर रहे हो, आपको क्या जमीन की क्या पड़ी है। जबकि ये जमीन कोई हमारा पर्सनल बोलिए, पूरी कॉलोनी की जमीन है और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कॉलोनी को जमीन। तो कानोता थाने की पुलिस का संदिग्ध? बिल्कुल, मैं तो रोल मानती हूँ, आगे से ऊपर से चल रही है ये कार्रवाई। इतनी जमीन है, करोड़ों की जमीन है। अब आप क्या चाहते हो किससे? हमारे पूरे कॉलोनी वासियों की एक ही मांग है कि हमको यहाँ पे बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए पार्क चाहिए। आपका शुभ नाम? कल्पना। सर, क्या माहौल है और किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये शिवानगर कॉलोनी है, इसके अंदर 3288 गज का पार्क छोड़ा गया था। ये 15 साल पुरानी कॉलोनी है, इसमें हमने बहुत पहले मंदिर, छोटा सा मंदिर बसाया था, इसका हम जीर्णोद्धार करने जा रहे थे, तभी कुछ भूमाफिया आए, राम बाबू शारा करके नाम हमारे एक सामने आया, उन्होंने यहाँ पे कारीगर जो काम कर रहे थे उनको पुलिस के थ्रू पिटवाया गया, उनको बंद करवाया गया और 5-6 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जब हम पुलिस के पास गए थे 19 मार्च को,
तो पुलिस ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। हमारी माता बहनें जो हमारी कॉलोनी से गई थी उनके साथ अपशब्द का प्रयोग किया गया और उनको ऐसे बोला गया, बोले आप परेशान हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, आप जाओ कॉलोनी में जाओ, आपका क्या लेना देना है। महिलाओं ने यह कहा कि पार्क हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज करो। तो उनका कानों तक थाना की तरफ से हमको ये मिला, बोले कानों आप यहाँ से भग जाओ, अगर आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो बच्चों को भी यहाँ लिया। मेरा नंबर 5569 से 4571 तक और एक 508 नंबर है। इसमें हमने इसका बिजली बोर्ड से नक्शा निकलाया पूरा, हमारे पास कोई सबूत नहीं था, भूमाफियों ने हमको ये दिया नहीं, तो हमने बिजली बोर्ड के थ्रू हमने नक्शा निकलाया, उसमें पूरा पार्क है, पूरी JVNL की मोहर है। और JDS के क्या है? JDS से हमने लिस्ट निकाली है, उसके अंदर पूरी लिस्ट निकली हुई है, उसमें किस किस के नाम ये बोल रहा है। अभी तक कॉलोनाइजर्स की जो लिस्ट आई है उसमें ये पता नहीं ये मकान किसके नाम है किसके नाम है। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की जो लिस्ट है उसमें ये भी पता नहीं है किस कॉलोनी निवासी का किसके नाम से मकान है किसके नाम से बोला।